अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये एलसीडी या 32 इंच की है, स्विडेक्स ये आप इसका नाम देख सकते हैं। इसकी बॉडी लकड़ की बनी हुई है, वुड की है। तो ये स्टैंड बाई मोड में है, इसकी स्टैंड बाई ओपन नहीं हो रही, ठीक है। पावर देने लगा तो आप देख सकते हैं इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है। तो ये रिमोट है इसका, तो इस ये स्टैंड बाई इसकी ओपन नहीं हो रही, ठीक। इसकी ये स्टैंड बाई मोड में अभी, तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करके देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है, ठीक है। इसकी स्टैंड बाई ओपन नहीं हो रही, तो जी मैंने इसको बैक कवर को रिमूव कर लिया। ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है, ये इसका मदरबोर्ड है। यहाँ पे ये इसका टी कोन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। टी कोन बोर्ड इसमें यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलो देख लेते हैं, मैं दोबारा से पावर देने लगा हूँ इसको। पावर दे इसके इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये मीटर आपके सामने यहाँ पे मैंने रख दिया। ये इसको ग्राउंड लगाने लगा हूँ मैं कहीं पे, ये इसको ग्राउंड दे दी। सबसे पहले हम इसके सप्लाई के वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमें कितने कितने वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये 5.2 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके साथ आगे वाले में 4.3 वोल्ट, ये दो ग्राउंड है। आगे स्विचिंग की ये 12 वोल्ट भी मिल रहे हैं, 12 वोल्ट, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये 5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, ओके। ये फिर ग्राउंड है, तो ये फिर 12 वोल्ट है, ठीक है। यानी कि सप्लाई हमारी ओके है, सप्लाई में कोई फॉल्ट नहीं। तो ये इसका पैनल का जैक लगा हुआ है, यहाँ पे चेक करें तो ये 12 वोल्ट पैनल की सप्लाई पे आ रहे हैं, ठीक है। तो पैनल पे वोल्ट तब मिलेंगे जब इसको ये स्टैंड बाई इसकी ओपन होगी, तो पैनल पे वोल्ट इसके नहीं मिल रहे, ठीक है। बाकी हम अगर चेक करें तो यहाँ पे ये 2.9 वोल्ट, ये रेगुलेटर पे, यहाँ पे मैं 3 वोल्ट, यहाँ पे 2.9, ओके, यहाँ पे 2.9, ओके। ये यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 0.9, यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पे मैं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बैक को मैं रिमूव करने लगा हूँ, बैक में चेक करते हैं कहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो जी मैंने रिमूव कर लिया बैक बोर्ड को, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे कितने वोल्ट कहाँ पे कितने वोल्ट चाहिए। ये तो बहुत इजी है, अगर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 1.2 वोल्ट, तो 1.3 ये मिल रहे हैं, ये किसके हैं। तो यहाँ पे ये चैनल के वोल्टेज हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट ये भी मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1.2 वोल्ट, 1.8 सॉरी, ये ऊपर लिखा 1.8 वोल्ट, ये एक यानी कि 2 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलने चाहिए, ये 2 वोल्ट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमारी स्टैंड बाई जो है वो ओपन नहीं हो रही। ये 1.8 वोल्ट, तो यहाँ पे 1.3 ये भी मिल रहे हैं, 1.3 भी हैं, ये यहाँ पे 3.3 वोल्ट ये भी मिल रहे हैं, ये भी 3.3, ओके। यहाँ पे 2.5, ये 2.7, ओके। यानी कि सारे वोल्ट हमें मिल रहे हैं प्रॉपरली, पर यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 1.8 वोल्ट, इसमें यहाँ पे हमें वोल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये ज़ीरो, इस जगह पे हमें वोल्ट नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमारी जो स्टैंड सेट है वो स्टैंड बाई में है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूँ
तो अगर तो मैं अभी इसको पावर ऑफ करने लगा, ये मैंने पावर ऑफ कर दिया। सबसे पहले इसका ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये चेक करें, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर 4 वोल्ट यहाँ पे इसको मिलेंगे, फिर 1.8 ये रिमूव करेगा, आउटपुट करेगा, तो फिर यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे ये वोल्ट मिलेंगे 1.8 इस जगह पे। जब इस जगह पे 1.8 मिलेंगे तो हमारा सेट जो वो स्टैंड बाई मोड से ओपन हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम ये इसकी बात करें तो ये बिल्कुल ठीक शो कर रहा है। ओके, इसके साथ ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये कैपेसिटर हैं 100 UF 10 वोल्ट के, ठीक है। 100 UF 10 वोल्ट, 100 UF 25 वोल्ट का अलग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी ये चेंज करके भी देख लें, अगर इस तरह का फॉल्ट है तो आप इनको कैपेसिटर को भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करके चेक कर लें, शायद कैपेसिटर वीक होने की वजह से भी हमें वोल्ट जो है ये आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हमें आउटपुट 1.8 वोल्ट जो हमें यहाँ पे चाहिए ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस जगह पे ये 0.1 ही है, यहाँ से यहाँ और फिर इस साइड में से जाएगा, मेन चिप में जाएगा, ठीक है। तो मैं करने क्या लगा हूँ, मैं आपको इसका एक स्टैंड बाई ओपन करने का, इस सेट का तरीका बताने लगा हूँ, ठीक है। इस सेट में स्टैंड बाई आप किस तरह ओपन कर सकते हैं, अभी सेट मैंने ऑफ किया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको पॉइंट को कट करें, ये मैं ब्लेड लेने लगा हूँ, ठीक है। ये ब्लेड आपके सामने, यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहे हैं, ये मिल रहे हैं, यहाँ पे मिलेंगे 4 वोल्ट, ठीक है। इस पॉइंट में आएंगे 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये फिर आगे से आउटपुट करेगा, ये 2 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे और 1.1 यानी कि 2 वोल्ट यहाँ पे हमें इस पॉइंट में मिलेंगे। तो हम इनको आपस में कट कर देंगे, ठीक है। ये मैं स्टैंड बाई ओपन करने का तरीका बताने लगा हूँ, ठीक है। ये ब्लेड है, ये 0.1 ही है, ठीक है। ये पॉइंट को मैं कट करने लगा हूँ, ब्लेड अच्छी तरह से पकड़ने, कहीं आपका हाथ ना कट गए, ठीक है। आराम से इसके पॉइंट को कट कर दें, ये मैंने कट कर दिया, अब चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट काट 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 दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं ये आपस में डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अब डिस्कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे लेंगे कहीं से भी, हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1.3 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है 3 वोल्ट, 3.3, ये लिखा है 3.3, ये है 2.5 वोल्ट। तो हम सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे, यहाँ से लेके वोल्ट इसको यहाँ पे देंगे, ठीक है। 1.2 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे इसको जैम्पर करने लगा हूँ, मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ इस सेट को स्टैंड बाई ओपन करने का, ठीक है। तो आप कट करने के बाद आप जो पॉइंट आईसी को मिल रहा है वहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। ये पॉइंट, ये पीछे वाला ट्रांजिस्टर का, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, आप एक पॉइंट मैंने यहाँ पे टच किया, और हम इसको वोल्ट देंगे यहाँ पे 1.2 वोल्ट, यहाँ पे हमें मिलने चाहिए तकरीबन 1.8। तो 1.8 अभी नहीं है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, 3.3 है, 1.2 है, तो यहाँ पे 1.3 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये 1.3 वोल्ट में यहाँ से इसको देने लगा हूँ, ये मैंने 1.3 वोल्ट दे दिए। अब अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलने चाहिए इस जगह पे, तो इस जगह पे हमें मिलने चाहिए 1.2, यहाँ पे 1.8 वोल्ट नहीं मिल रहे, तो मैं यहाँ से 1.2 वोल्ट अभी दिए हैं, ठीक है। इसको आप 2 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैंने चैम्पर लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम सेट को ऑन करके चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको
इसको सप्लाई लगाने लगा। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ये पावर दे दी है, तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ सेट हमारा। अभी ये इसकी रेड लाइट ऑन है, देख सकते हैं ये इसकी रेड लाइट ऑन है। तो अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑन कर दिया, अभी इसकी ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। सेट हमारा ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं स्विडेक्स, ठीक है, बिल्कुल इस वक्त सेट हमारा ओके। अभी चैनल नहीं आ रहे, तो बहरहाल सेट हमारा इस वक्त ओके हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट 1.8 वोल्ट का था, जो 1.8 वोल्ट वो हमें नहीं मिल रहे थे, इसकी वजह से स्टैंड बाई इसकी ओपन नहीं हो रही थी। तो अभी आप देख सकते हैं सेट इस वक्त ओके हो चुका है।